हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम रजत पठानिया और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइल्स और पीटीए में। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज की फर्स्ट फ्रेज वर्ड है वो है फील अ विट अंडर द वेदर। फील अ विट अंडर द वेदर, इसका मतलब है अगर आप सर्दी जुकाम खांसी ऐसा कुछ फील करते हो जस्ट, तो उसको आप यहां पे यूज कर सकते हो कि आई फील अ विट अंडर द वेदर। सिम्टम्स का फील होना, उस वक्त आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो। देन सेकंड वन इज टू वर्क लाइक अ ट्रोजन। इसका मतलब है कि किसी भी काम को वर्क, कोई भी वर्क है वो एक्सट्रीमली हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है करने में। देन आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हार्ट एंड सोल। किसी भी काम को फुल डेडिकेशन और एफर्ट के साथ करना। जो फोर्थ है वो हार्ड नट टू क्रैक। कोई भी वर्क है काफी ज्यादा हार्ड है, सेम टू सेम ये इसके साथ मैच करता है, टू वर्क लाइक अ ट्रोजन। एंड जो लास्ट फ्रेज है वर्निंग इशू। वर्निंग इशू आप कह सकते हो कि जैसे आजकल कोरोना वायरस काफी ज्यादा इसका मुद्दा फैला हुआ है, तो इस तरह से बोल सकते हो कि वो कोरोना वायरस का जो वर्निंग इशू आजकल चल रहा है, वायरल मुद्दा। तो आई होप कि आपको ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।